हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक रिशा डेली लाइफ एंड वेलकम बैक टू द अदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मॉर्निंग का नाश्ता हो गया था, किचन की क्लीनिंग हो गई थी, तो बच्चों को बस यहाँ गेम्स खेलने लगी कि हम लोग ना फील करो मामा हम लोग एरोप्लेन में बैठे हैं। तो बस मैंने कहा चलो आज वीडियो का स्टार्ट मैं एरोप्लेन से ही कर लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। क्लीनिंग तो ज़्यादा नहीं कर सकी, लेकिन ये स्प्रे मैं ज़रूर शेयर की है डाउनी का। ये आप लोग यूज़ कर भी सकते हैं अपने फैब्रिक, अपने बेड पे, अपने क्लोथ, अपने सोफ़ों पे। इसकी ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग की चलती है। मैं यहाँ पे मुझे कुवैत में मिला तो मैं जल्दी से ले आई, ये बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ मैं ना सबके रूम्स में कर रही थी स्प्रे, क्योंकि क्लीनिंग ऑलरेडी हो गई थी ख़त्म। तो उसके बाद क्योंकि जब अच्छी क्लीनिंग हो जाए ना, तो फिर घर में होता है ना फ्रेगनेंस को, कैंडल्स को स्प्रे करो, तो यहाँ वो हो रहा था। एंड उसके बाद जो थोड़ा सा काम था, जैसे कि कपड़े मैं खुद से प्रेस करती हूँ, एक वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैंने कहा चलो ये काम भी जो होता है ना, ये वाला जो काम होता है ना स्पेशली, ये राइट वे कर लेना चाहिए। क्योंकि कपड़े प्रेस अगर आप उसी टाइम ना करो तो फिर एक दो दिन डिले रहते ही रहते हैं। तो मेरी कोशिश स्पेशली होती है कि कपड़ों को ना छोड़ो मत, उसी वक्त ही प्रेस करके रख लो। आज का व्लॉग भी मेरा ना बहुत ही छोटा है, बस 7 मिनट का है। मुझे कहते से आपका व्लॉग बहुत छोटा आने लग गया है, तो बस ऐसे ही मेरे व्लॉग आएंगे, 6-6, 7-7 मिनट के ही आएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा होगा तो 9 मिनट का भी बन जाएगा, बट उसके कोई चांसेस नहीं मुझे नज़र आ रहे, क्योंकि अभी मैं बाहर जाती नहीं हूँ और रूटीन में आपको बस यही सब दिखाने को है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ना इसकी लेंथ कम कर लेती हूँ। क्लीनिंग करते करते, कपड़े समेटते समेटते मैं बस थोड़ा बैठ गई थी, क्योंकि बस बंदा बैठ जाए ना तो भी थक जाता है, उसका दिल नहीं करता के काम करने को। तो यहाँ बस ये दोनों ना कहते हैं हम ना ट्रेन वाली गेम खेलते हैं। खाने में आज जा रहा था हस्बैंड की डिमांड में दाल कद्दू बना, तो हस्बैंड मेरे को दाल कद्दू ना बहुत ही पसंद है, तो बस उसको मैं प्रॉपर शेयर नहीं कर सकी आपके साथ कि दाल कद्दू सेम में कई, तो कई दफ़ा तो मैं सारा कुछ इकट्ठा ही डाल देती हूँ, कई दफ़ा मसाला बना के डाल देती हूँ। तो खैर आज मैंने मसाला बना के डाला था, तो वैसे जब मुझे बनाना होता तो मैं सारा कुछ इकट्ठा ही डाल देती हूँ, दाल कद्दू सब मसाले डाल के मैं रख देती हूँ, टमाटर वगैरह। तो बस यहाँ जो है ना रेडी हो गया, जो मैंने शॉर्टकट में आपको दिखा दिया, और ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया और उसको फिर हमने इंजॉय किया रोटी और चावल दोनों के साथ। साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए ना चिकन भी बना लिया। ये चिकन जो है ये मैं लेके आई थी यहाँ स्टोर से, जमिया जो कहते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो सुपर मार्केट स्टोर है वहाँ से लाई थी। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी था, तो मैंने कहा चलो साथ में ये भी कर लेती हूँ ताकि दाल भी खाई जाएगी और कद्दू भी खाए जाएंगे। हाँ, इसके बगैर तो दाल कद्दू नहीं खाए जाएंगे। हस्बैंड करा के आए थे कटिंग, क्योंकि बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो गई थी, तो आगे की बातें आप सुने और यकीनन आपको भी मज़ा आएगा मेरी तरह। एक नहीं चार देख बात ले गया है वे। अस्तगफुरुल्लाह, है किधर? अल्लाह 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 अकबर अल्लाह बिल्ला मिकी फिर खोलो ना, दिखा दो। I so fine, दिखा दो क्या नहीं क्या। Can you please show? Most fine. वो कहते हैं कि मुसलमान चार शादियां करते हैं। देखिए ऐसे नहीं बेबी करते, कहते हैं चार करके दिखाएंगे उसने। मिकाइल क्यों क्यों लेके आए? ये मुझे बता के क्या कहते, मैंने इसको कहा क्यों लेके, तुम मुझे जुमिया करने लग गया कि मिकाइल ये आप लड़के हो बेटा, दिखाओ दिखाओ बहू रानी बुरी बात होती है। आई थिंक क्या लिया, आइसक्रीम ली मिकाइल ने, अरे मान ला आइसक्रीम जो अच्छा रहे, फ्राइज भी लिए। थैंक यू पापा। ओके यू कम कम कम। तो बीच में बस मज़े की बात होगी मिकाइल के साथ, हमारा टाइम गुजर जाता है, अच्छा अच्छा लगता है उसके साथ मज़े मज़े की हस्बैंड बातें करते हैं। बाद में बस फिर हम आ गए थे बाहर इनको आइसक्रीम खिलाने के लिए मैकडोनल्ड्स की, तो बस उसके बाद ये घर जा रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ऊपर चढ़ के कि हम भी ज़रा देखें। एंड उसके बाद मिकाइल घर आके अपने पापा के साथ कहते हैं कि टॉय खेलो,
के टॉयज के साथ खेल रहे हैं। जल्दी हो गया। पाइनएप्पल का है? ये पाइनएप्पल से दे। निकाल, क्या खेल रहे हो? मैं खेलना तुम्हारे चाहिए। अच्छा जरा वो तो सुना दो, चंदा ने पूछा। हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, शाबाश। मिकाएल के पापा? मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। मिकाएल के मेरे पापा। देखो स्ट्रॉबेरी पकाते हैं। ये देखिए जी, शेफ स्ट्रॉबेरी बना। मिकाएल चलो, 3, 2, 1 बार्बी गर्ल गो। ग्रीन प्लीज। येलो। वन मोर टाइम। वन मोर please Mickey. Mm. Mm. I'm a Barbie girl. मिकाएल को मैं अक्सर कहती हूँ, मिकाएल जब तुम बड़े हो गए ना बेटा, ये सारी वीडियोस में तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम क्या क्या करते थे। तो मिकाएल ने यहाँ पे दो सॉन्ग सुना दिए, तो बस ऐसे ही हमारा टाइम गुजर गया। तो यकीनन ये बड़ा होगा, इसको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि मामा मैं किन किन चीज़ों के साथ खेलता था। तो अच्छा है यार, ये मेमोरी बन गई है। तो ठीक है जी, अभी आपसे मांगते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लगी तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी एक ऐसी रूटीन लेके अपनी फैमिली के साथ। तब तक के लिए देती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।